की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वच्छ दिल्ली के सपने को साकार करने में आज सारा देश उनके साथ है। इसके चलते सादरा उत्तरी जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता द्वारा प्रत्येक शनिवार स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत अपने वार्ड के साथ साथ किसी न किसी कॉलोनी में अपने अधिकारियों के साथ आम जनता के सहयोग से स्वच्छता का निरीक्षण भी करते हैं। इसी दौरे में अहम बात यह रहती है कि इलाके की जनता से रूबरू होकर इलाके में सफाई के चलते अन्य समस्याओं का जायजा भी लेते हैं। इसी के चलते यमुना बिहार B2 में दौरे का आयोजन किया गया। निरीक्षण के समय जो समस्याएं इलाके के लोगों ने जोन चेयरमैन को बताई, उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरे के समापन पर समस्त इलाके की जनता और निगम अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए जोन चेयरमैन ने कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है, इसीलिए साफ रहना और रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज यमुना विहार के बी ब्लॉक का दौरा था, उसके अंदर B2 ब्लॉक को विशेष तौर पर किया गया है, जहाँ पर स्वच्छता के दृष्टि से देखा गया है, डेंगू मलेरिया की दवाई प्रॉपर डल रही है नहीं डल रही है। BSES के अधिकारी हैं, बिजली विभाग के लोग हैं, वर्क्स के लोग हैं, सारी टीम के साथ एक बार यहाँ पर दौरा किया जा रहा है। क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी ने भी कुछ बताया तो उसका हाथ के हाथ समाधान करने की चेष्टा की जा रही है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका तुरंत समाधान नहीं हो सकता तो उसे नोट डाउन करके उस विभाग को आगे नोट करके बता दी जाएगी और उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। कुछ लोग अवैध रूप से रोड कटिंग कर देते हैं जो कि परमिट नहीं है, ऐसे लोगों को हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ और उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसी दौरे में OBC मोर्चा उपाध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी सहित RW के सदस्य एवं पद अधिकारियों ने इलाके के पार्षद के साथ दौरा किया। डॉक्टर UK चौधरी ने बताया कि चेयरमैन काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि चुनाव के दौरान नेता इलाके में वोट मांगने के समय, लेकिन उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। प्रमोद गुप्ता हमारे बीच ऐसे नेता हैं जो प्रत्येक शनिवार लोगों के बीच आते हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं। ये अनोखा कार्य प्रमोद जी के द्वारा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कोई इतनी मेहनत से कोई कार्य कर रहा है और घर पहुंच के काम मांग रहा है कि जी काम बताइए, आप परेशानी बताइए, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक नेता को अगर इस तरीके के हो गए तो मैं नहीं समझता कि समाज को सुधारने में, गंदगी को सुधारने में, किसी और भी समस्या को सुधारने में ज़्यादा समय लगेगा। हर शनिवार की तरह आज ये B2 यमुना विहार का दौरा हुआ है, समस्या सेम है, थोड़ी गंदगी है, थोड़ी गाड़ियों की पार्किंग है जिनके नीचे सफाई नहीं हो पाती क्योंकि गाड़ियाँ हट नहीं पाती, नालियों में थोड़ी गंदगी है, मच्छरों की थोड़ी समस्या है जो अब तो कम होने लगी है ठंड की वजह से, साथ साथ फॉगिंग हो रही है, कुछ BSES से रिलेटेड समस्याएं लाइट वगैरह की है, कुछ पेड़ों की छटाई की समस्याएं होंगे, इसी प्रकार की समस्याएं जिनका समाधान मैं समझता हूँ अगले हफ्ते के अंदर अंदर, जो छोटी छोटी समस्याएं बुजुर्ग लोगों की है, कुछ रोड्स पे गड्ढे हो रखे हैं उनकी सारी फिटिंग कंप्लीट करके सब हो जाएगा। जनता पार्टी की एक पॉलिसी है, सीधा अपने निगम पार्षदों को सबको कह रखा है कि अपने घर घर जाकर अपने काम मांगो, जहाँ जहाँ लोगों की समस्या है वो समस्या को सुने, और अपने क्षेत्र के पार्षद भी हैं और जो उनके चेयरमैन भी है प्रमोद गुप्ता, उनके नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं, सब घरों पर जा जाकर काम मांगते हैं और पूछते हैं क्या समस्या है। वहीं इलाके के लोगों का मानना है कि चेयरमैन काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस तरह के दौरे से इलाके की जनता काफी खुश नजर आ रही है और समय समय पर यह कार्य इलाके की दशा को सुधारने का कार्य करते हैं, इससे हमें बीमारियां नहीं होती। और इसी दौरे में इलाके के RW के सदस्य, स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग एवं बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ साथ यश ढींगरा, विशेष महेश्वरी, सतीश सैनी, पंकज वर्मा एवं इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संदीप कुमार, तेज निगाहें दिल्ली। What are you doing?